हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सहजीवी संबंध के बारे में सही वर्णन कर रहा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जीवित जीव की एक प्रजाति मृत और क्षयकारी जीव पर जीवित रहती है, यानी कि सहजीवी संबंध वो होता है जिसमें एक जीव मृत जीव पर डिपेंड होता है। क्या ये सही है? जी नहीं। सहजीवी मतलब क्या होता है? साथ साथ जीना, यानी दो जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को हानि होती है, ये भी सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि दोनों ही जीवों को लाभ होता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर सहजीवी संबंध के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भैंस और बगुले के बीच में जो संबंध होता है वो होता है सहजीवी, यानी कि बगुला क्या करता है, भैंस के पीठ पर बैठकर जो उसे कीड़े मकोड़े काट रहे होते हैं उन्हें खाकर अपना पेट भरता है। भैंस का क्या फायदा होता है इससे? उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं जो उसे काट रहे हैं उससे उसको छुटकारा मिल जाता है, यानी दोनों के बीच में सहजीवी संबंध है, दोनों को ही लाभ मिल रहा है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल ऐसा है जिसका प्रयोग खाद्य संरक्षक के रूप में नहीं किया जाता। ऑप्शन आपके सामने है और आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज खाद्य संरक्षक के रूप में नहीं किया जाता। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, ये सभी खाद्य संरक्षक के रूप में यूज किए जाते हैं। अगर हम खाद्य संरक्षक की बात करें तो टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक केमिकल होते हैं। नेचुरल के भी नेम मेंशन किए गए हैं और केमिकल के भी नेम मेंशन किए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें रीड कर सकते हैं। ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो एक कोशिकीय नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो यहाँ जो राइट है वो हो जाएगा मोल्ड। मोल्ड क्या है? एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय जीव है। इनके अलावा अमीबा, यूग्लेना, पैरामेशियम, ये सभी एक कोशिकीय हैं। मोल्ड की बात करते हैं, आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड आप खाते भी होंगे। आप जो ब्रेड खाते हैं उसको कई दिन के लिए रख दीजिए, यानी उसको टच मत कीजिए, एक कोने पर रख दीजिए। आप देखेंगे कई दिनों के बाद उसमें ब्लैक ब्लैक सी संरचना, यानी कि काली काली सी परत जम जाती है, ऐसी कुछ संरचना बन जाती है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखाई देता है ना, ये मोल्ड होता है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो फंगी से रिलेटेड होता है, और ये एक कोशिकीय नहीं होता, ये बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। तो जो अगर ब्रेड पे आप काला काला देखें ना, तो समझ जाइएगा कि ये मोल्ड है, यानी कि इसे हम मोल्ड कहते हैं, जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प बताइए। कथन दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है। कथन क्या है कि सीटी बजाने की आवाज ढोल बजाने से उत्पन्न ध्वनि से भी तीखी होती है। सही है, जब आप सीटी बजाते हो तो बहुत तेजी से आपके कान में चुभती है, लेकिन अगर ढोल की आवाज आप सुने तो वो आपके कान में चुभेगी नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि सीटी द्वारा उत्पादित ध्वनि कंपन का आयाम ड्रम द्वारा उत्पादित कंपन के आयाम से अधिक होता है। ये एक स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आइए जानते हैं। जो आप सीटी बजाते हैं तो उसका जो आयाम होता है वो कम होता है, और जब ढोल बजाते हैं तो उसका जो आयाम होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ढोल की फ्रिक्वेंसी कम होती है और सीटी की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, यानी जो उसके कंपन है वो बहुत तेजी से मूव करते हैं जब सीटी बजाई जाती है। तो जब सीटी बजाई जाती है तो उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जब ढोल बजाया जाता है तो उसकी लो फ्रिक्वेंसी होती है। लेकिन अगर हम आयाम की बात करें तो ढोल का आयाम ज्यादा होता है और सीटी के ध्वनि का आयाम कम होता है। तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी सिर्फ ए सही है, बी गलत है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन विज्ञान की प्रकृति की हमारी समकालीन समझ से सहमत नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपके नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड नहीं है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो पहला कह रहा है कि साइंस टिकाऊ है लेकिन परिवर्तन के अधीन है। बिल्कुल सही बात है, विज्ञान हम पढ़ते तो हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हम आज पढ़ रहे हैं, वो हमेशा सेम ही हो।
एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन साइंस के चेंज होते रहते हैं, क्योंकि साइंस लर्निंग बाय डूइंग पे डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, नहीं है, नॉट वाला फाइंड करना है। सेकेंड कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि अगर हम कोई साइंटिफिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एकदम सही है, क्योंकि साइंस में हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस को हम अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, लेकिन हमें नॉट ढूंढना है। थर्ड कह रहा है कि साइंटिफिक आइडियाज आर अफेक्टेड बाय सोशल एंड हिस्टोरिकल सेटिंग, यानी कि जो सोशल चेंजेस हैं, जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं, उनसे साइंस इफेक्ट नहीं होती है। साइंस के जो आइडियाज हैं वो अफेक्ट नहीं होते। क्या ऐसा है? नहीं है, अफेक्टेड होते हैं। यानी सोशल जो आपके साइंटिफिक आइडियाज हैं वो सोशल और हिस्टोरिकल सेटिंग से अफेक्टेड होते हैं, और ये क्या है, निगेटिव है। और यहाँ निगेटिव पूछा गया था, इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी रबी फसलों का एक समूह है। आपको बताना है कि रबी फसल कौन कौन सी है। तो अगर हम रबी की बात करें, गेहूं, जौ, मटर, चना, ये सभी रबी की फसलें होती हैं। अगर खरीफ की बात करें तो जैसे आपका धान हो गया, भुट्टा हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी क्या है, खरीफ फसलें हैं। अगर आप खरीफ फसलों की बात करें तो ये गर्मी के टाइम में बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई के टाइम में, जुलाई के समय पे इनको बोया जाता है और ठंडी के टाइम पे इनको काट लिया जाता है। लेकिन अगर रबी की फसल की बात की जाए तो रबी की फसल को बोना कब स्टार्ट किया जाता है, ये ठंडियों के टाइम में इनको बोया जाता है और फरवरी फरवरी मार्च के टाइम पे इनको काट लिया जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि गेहूं क्या होता है, ठंडी में बोया जाता है ना, तो ये रबी की फसल है। तो यहाँ रबी की फसल का कौन कौन सा सही हो जाएगा, सरसों, चना, मटर, गेहूं, ये सभी क्या है, रबी की फसलों के समूह है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले आधे भाग को एक गति से और अगले आधे भाग को दूसरी गति से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा में जो टोटल जो उसने पूरी यात्रा की है उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक कार है, उसने क्या किया, आधी दूरी को v1 चाल से उसने, मतलब उसको डिस्टेंस को कवर किया, और आधी दूरी को v2 चाल से उसने डिस्टेंस को कवर किया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो बताइए। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो हमें पता है कि 2d हो जाएगी, लेकिन टाइम, टाइम तो हमें नहीं पता। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v1 v2 v1 v2 अब कैसे होगा ये यहाँ पास सॉल्व है क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आता कि आंसर कैसे आया है तो इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर 2v1 v2 v1 v2 क्यों आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा प्रश्न ओपन एंडेड माना जा सकता है। ओपन एंडेड मतलब जिसके कई सारे आंसर होते हैं। पहला दिया है कि आलू एक तना क्यों है, तो इसका तो एक डेफिनेट आंसर है, इसमें कई सारी डाइवर्जेंट थिंकिंग तो आप लगा नहीं सकते, कई सारे आंसर नहीं बता सकते, ये तो क्लोज एंडेड हो गया। फिर कह रहा है कि साधारण पेंडुलम की समयावधि का क्या होगा यदि लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यानी अगर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो जो पेंडुलम की समय अवधि है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक डेफिनेट है, इसका भी एक डेफिनेट आंसर होगा, यानी ये भी क्लोज एंडेड हो गया। फिर पूछ रहा है कि गुलाब के तने और तुलसी के पौधे के बीच में क्या अंतर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड आंसर है, आपको फिक्स्ड आंसर ही देना है, इसमें आप ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग या कई सारे वैरायटी ऑफ आंसर तो नहीं दे सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्लोज एंडेड है। तो ओपन एंडेड क्या होगा, डी ऑप्शन, यदि पृथ्वी पर सभी पेट्रोलियम भंडार समाप्त हो जाए तो क्या होगा, इसका कई फील्ड पर असर पड़ेगा, जहां भी पेट्रोल यूज किए जाते हैं उन सभी फील्ड पर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसके कई सारे आंसर हो जाएंगे। ये क्या है आपका, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी ओनली डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जहाज की बॉडी को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य क्या है, यानी जो जहाज होती है जो पानी में चलती है उसके बॉडी जो होती है उसको सुव्यवस्थित किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, क्या रीजन है, ये आपको बताना है। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब जहाज पानी में चलती है तो एक फ्रिक्शन लगता है जिसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। और फ्रिक्शन हमेशा हमें हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो वैसे यहाँ भी होता है कि अगर जहाज आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन क्या करता है, गति को धीमी कर देता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यानी घर्षण को कम करने के लिए ही जहाज की बॉडी को सुव्यवस्थित किया जाता है, यानी यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि घर्षण यानी कि जो आपका फ्रिक्शन उसको कम करने के लिए ही जहाज की बॉडी को सुव्यवस्थित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधिका दो समान सिर की एक श्रृंखला व्यवस्था को दो बल्बों की श्रृंखला व्यवस्था के साथ जोड़ती है, बल्ब को धीमा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है, राधिका ने दो बल्ब लिए हैं, दो बैटरी लिए हैं, और दोनों को एक सीरीज में जोड़ दिया है। अब वो चाहती है कि बल्ब की जो लाइट है उसको धीमी कर दी जाए। अब उस बल्ब की लाइट को धीमी करना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जब आपके घर में लाइट धीमी चलती है तो आप अपने मम्मी से क्या कहते हैं? आप तो यही कहते हैं ना कि मम्मी पावर बहुत कम आ रहा है, यानी कि अगर पावर को कम कर दिया जाए तो बल्ब की जो रोशनी है वो कम हो जाएगी। अब पावर को कैसे कम करेंगे, एक बैटरी हटा दो, पावर कम हो जाएगा। अब बैटरी हटाइए तो उसकी जगह पर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, वरना ये क्या हो जाएगा, ये जो पाथ बना हुआ है, जस्ट अ मिनट, यानी जो ये रास्ता पूरा पाथ सर्कुलर पाथ बना हुआ ये ब्रेक हो जाएगा, हमें इसे ब्रेक तो करना नहीं है, तो इसलिए हम एक बैटरी तो हटाएंगे लेकिन उसकी जगह पर एक मेटल वायर ऐड कर देंगे, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूअस चलता रहे। तो इस वजह से जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि एक सेल को हटाना है और उसकी जगह पर एक धातु के तार के टुकड़े को लगा देना है, जिससे बल्ब हमारा धीमा जलने लगेगा। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पा रहे होंगे। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम का लिंक ओपन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ ये आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।